बस्तर के अंदरूनी इलाकों में साप्ताहिक ग्रामीण बाजारों के माध्यम से नकली नोटों का प्रसार कर रहे थे ताकि अर्थव्यवस्था को अस्थिर किया जा सके। पुलिस अलर्ट हो गई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अब जो भी नक्सली गिरफ्तारी होगी या सरेंडर किया जाएगा उसे नकली नोट को लेकर के प्रमुखता से पूछताछ की जाए। माओवादी नकली नोट छापने का काम कब से कर रहे हैं, साथ ही ये भी कहा गया कि पहले सरेंडर हुए नक्सलियों से भी इस बारे में पूछताछ करें। बता दें कि सुकमा जिले से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के काम से नकली नोटों का जखीरा जब्त किया है, साथ ही उन्हें छापने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर स्याही भी बरामद की गई है। फर्स्ट इस टाइप का जो डंप रिकवर किए गए थे, जैसे आप इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन में और जैसे इस टाइप का यदि कोई कैडर गिरफ्तार होगा या सरेंडर होगा जिनके माध्यम से हमको इस संबंध में और आगे जो स्पष्ट जानकारी मिलेगा उसी हिसाब से हम एक एक बिंदु को जोड़कर आगे ले जाएंगे उसको। लेकिन अभी इस प्रकार के ट्रेंड जो सामने आना काफ़ी एक नया विषय रहा हमारे लिए और काफ़ी एक चिंता का विषय भी है।